हाय फ्रेंड्स, कैसे आप। फाइनली मैं आपको एक और वीडियो लेकर आया हूँ। और आपसे बता दें फ्रेंड्स कि जो कि मैं मिनी यानी कि एम्पलीफायर जो कि ब्लूटूथ किट वाला जो बनाया था, तो फ्रेंड्स इसमें जो कि एक प्रॉब्लम आ गया है। जो कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑन ऑफ करने वाला जो कि बटन है ना, ये बटन इनके बोले कि हम प्रेस करते करते बोले कि यहाँ पर ये खराब हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ऑन ऑफ जो कि नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको फिर से ठीक कैसे करेंगे आपसे कुछ को वही वीडियो बताऊंगा। तो प्लीज आपसे इनकी वीडियो बने रहे लास्ट तक और जान जाएंगे। और साथ में फिर से इसका जो कि टेस्टिंग जानना चाहते हैं कि इस छोटा सा ब्लूटूथ मॉडल से कितने बड़े बोले कि हम स्पीकर इनके बजा सकते हैं, तो आपसे फिर वीडियो आई आइकन पर लगा दूंगा, प्लीज चेकआउट करिए, वहां पर मालूम चल जाएगा कि सिंपल ब्लूटूथ स्पीकर मॉड्यूल है ना, इससे फ्रेंड्स कितने बड़े इनके बोले इनके हम बजा सकते हैं स्पीकर। उसके बाद फ्रेंड्स ये कैसे जो कि बनाते हैं फुल सेटअप के लिए, इनके वीडियो में इनके वायर जो कि कहाँ कहाँ से जो कि कनेक्शन करा हो, इसका भी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आइकन पर वो भी वीडियो लगा दूंगा, प्लीज चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उससे पहले प्लीज ये वीडियो देखिए। यहाँ पर जैसे इनके ऑन ऑफ का बोले इनके हमारा बटन ये खराब हो चुका है, तो क्या करेंगे फिर, सबसे पहले इनके यहाँ पर चारों इनकी ये कोने दिख रहा है ना, इसको इनकी हम आयरन की मदद से इनके हटा देंगे, ठीक है। हटाने के बाद चेक करेंगे फिर से हमारा ये वाला है ना जो कि बटन है यहाँ पर ऑन ऑफ होता है, ऐसे वाला बोले कि हमारा ये अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है, खुलने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इनकी आयरन की मदद से इसको चारों इनके टर्मिनल को इनके हटा देते हैं सबसे पहले। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इनके कनेक्शन कर दिया हूँ। फ्रेंड्स आपसे बता दूं कि ये स्विच मेरा खराब हो चुका था, तो फ्रेंड्स इन क्या करिएगा फ्रेंड्स, इनके इसको मैं हटा दिया और सोल्डरिंग की मदद से बोले कि यहाँ पर दो एन के वायर निकाल दिया, ठीक है। मगर फ्रेंड्स ये दो वायर है ना, क्या है कि फ्रेंड्स इनके सटाएंगे ना तो फ्रेंड्स इनके ये ऑन होगा, फिर से इनके हटाना होगा, ठीक है। जैसे इनके ऑन हो जाएगा तो हटा देंगे तो इनकी ऑन रहेगा, नहीं तो फ्रेंड्स ये सटा रहेगा ना, तो बोले कि हमारा ये और ऑन होकर ऑफ होगा, क्योंकि फिर से यहाँ पर जो कि ये गोटी वाला सिस्टम है ना, ये स्विच तो फिर से इनके हमें ले आकर रख लेंगे तो हो जाएगा चारों कोना में, और नहीं तो फिर से क्या करेंगे कि हम इनकी नॉर्मल स्विच होता है ना उससे भी इनकी यूज कर सकते हैं। मगर फिर से यूज करने वक्त इनकी मालूम करना होगा, जैसे फिर से इसको ऑन करेंगे तो इनकी ऑन हो जाएगा ना, तो इनकी एक बार और टिप देंगे इनकी बोले तो इनके ऑफ नहीं होगा। मगर फिर से इस पर आप इनके हेडफोन का जो कि स्विच होता है ना, और वहाँ पर जो कि मैक वाला में ऑप्शन में होता है, वहाँ पर इनके जाकर वो वाला स्विच इनके लगाएंगे ना तो काम करेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि फिर से उसमें जो कि 4 टर्मिनल जो कि होता है, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर इस स्विच को भी इनके हम इनके यूज करते हैं और उसे आपसे बताते हैं फिर कैसा जो कि काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले यहाँ पर सोल्डरिंग की मदद से इस दोनों वायर को जो कि रस देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पीकर में इनके कनेक्शन कर दिया हूँ और यहाँ पर स्विच को भी इनके मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। आपसे एक बता दें फ्रेंड्स, इनके दो दो बार इनके क्लिक करेंगे ना तो भी फ्रेंड्स इनके हमारा ये ऑन ऑफ होगा, ठीक है। आपसे बता दूँ सबसे पहले फ्रेंड्स इनके ये स्विच इनके लगाए हुए ना, तो इनके एक बार इनके प्रेस करेंगे तो हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन हो जाएगा ना तो फिर से इनके प्रेस करना है, ठीक है, तो फिर ऑन रहेगा, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक से ऑफ होगा, ठीक है, और फिर से ऑटोमेटिक से ऑन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके एक बार इनके प्रेस करेंगे तो हमारा ऑन हो जाएगा, तो फिर से इनकी एक बार और प्रेस कर दें तो ऑन रहेगा, ठीक है। अगर फिर से ऑफ करना है तो एक बार प्रेस करिए ऑफ हो जाएगा, तो फिर से एक बार और दाब दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर दोबारा ऑन नहीं होगा, नहीं तो फिर इनके एक बार ही दबेंगे तो ऑफ हो जाएगा, मगर फिर से ऑटोमेटिक से ऑन हो जाएगा। तो फिर दो बार इनके दबिएगा ऑन करने के लिए और दो बार इनके ऑफ करने के लिए, ठीक है। इनके बुझेने की आपका इनके ऑन हो जाएगा तो फिर से एक बार प्रेस कर दीजिएगा तो ऑन रहेगा, और ऑफ करने के लिए एक बार दाब दीजिएगा ऑफ हो जाएगा, फिर से एक बार और दबिएगा तो इनके ऑफ रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार इनकी बता देते, चलिए एक बार ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ऑन हो चुका है और फिर से इनके एक बार दाब देंगे, ठीक है, तो फिर से हमारा ऑन रहेगा, ठीक है, इनके ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर फिर ऑफ करने के लिए फिर से एक बार और दाबेंगे तो देखिए फिर हमारा ऑफ हो चुका है, और एक बार और दाबेंगे, ठीक है, तो फिर हमारा ऑफ रहेगा। तो फिर देखिए हमारा ऑफ हो चुका है, और फिर अब देखिए अगर नहीं दाबेंगे तो फिर देखिए कैसा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो सपोज इनके एक बार ऑन करते हैं इसको, ऑन करने का देखिए नहीं दाबा हुआ तो देखिए ऑटोमेटिक से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा देर बाद इनका ऑटोमेटिक से ऑफ हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स आप ऑटोमेटिक से ऑन ऑफ जो कि हो रहा है, देखिए फिर से इनके ऑटोमेटिक से बोलेगा, देखिए हम बोल रहा है, फिर से इनके ऑन कर दिए एक बार और तो इनके देखिए हमारा ऑन रहेगा, ठीक है। फिर से ऑफ करने के लिए एक बार प्रेस कर देंगे तो फिर हमारा ऑफ हो जाएगा, देखिए ऑफ हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इनके प्रेस नहीं करेंगे ना फिर से इनका प्रेस से ऑन होगा, देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स से ऑन ऑफ जो हो रहा है, आप याद रखिएगा यानी कि ऑफ ऑन करने के बाद इनके दो बार इनके प्रेस करिएगा, ठीक है। आप देखिए ऑफ करने के लिए एक बार ऑफ कर दिए, हमारा ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ऑन है, फिर इनके ऑफ कर दिए हमारा ऑफ हो जाएगा, और देखिए एक बार और दाब देंगे, ठीक है, ऑन को
तो फिर हमारा ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो फिर ऐसे करके इनकी दो दो बार इनकी इसको इनकी ऑन ऑफ कर रहा होगा, आप इनकी बुझ लिए। नहीं तो फिर अगर ऐसा वाला जो स्विच लगाएंगे तो ऑटोमेटिक में ऑन ऑफ जो होता रहेगा, आप सबको मालूम ही है। तो फिर ये सिंपल है, इनके स्विच इनके आप सबको मैं कंसर्न बताया, बोला खराब हो चुका था तो ऐसा नहीं था, नहीं तो फिर आप हेडफोन है ना वो भी इनके लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर यही सिंपल और छोटा वीडियो आपके साथ शेयर करा, आप सबको फिर ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक से जरूर करिएगा, और साथ में हमारे चैनल संतोष परवाना इलेक्ट्रॉनिक बनाए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह न्यू वीडियो अपलोड करता रहूंगा तो उसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर साथ को थोड़ा इनकी टेस्टिंग कर जो कि दिखा देता फिर हमारा ये बज रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर इनकी एक बार ऑन कर देते है और फिर से एक बार और करेंगे, चलिए फिर हमारा रहेगा, ठीक है। और चलिए फिर ऑक्स केबल से बजाते है, AUX लिख दिया, चलिए हम सॉन्गेंगे प्ले करते है। तो देखे फिर से हमारा सॉन्ग इनके प्ले हो रहा है, आप इनके देख ले फिर सॉन्ग इनके प्ले हो रहा है और इनके बज रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर ऑफ करने के लिए दो बार इनके प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑफ हो चुका है और फिर से एक बार और दबेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हमारा ऑटोमेटिक से ऑन नहीं होगा। तो चलिए फिर और वीडियो को लंबा ना करते हैं, फिर इन करना चाहता हूँ, आप कोई भी सलाह से प्लीज कमेंट करिए और वीडियो अच्छा लगता लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए इन करते वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।